बच्चों, रोले की प्रमेय आपको बताई गई थी। रोले की प्रमेय जो है सत्यापित होती जब उसकी तीनों शर्तें जो है पूर्ण रूप से पूर्ण होती हैं। जैसे हमने बताया कि कोई फलन दिए गए अंतराल में संतत हो, फिर दिया गया जो है कि फलन विपरीत अंतराल माने खुले अंतराल में अवकलनीय हो, तथा तीसरी कंडीशन है कि जब अंतराल के मध्य के दोनों कोटियां आपस में बराबर हो, तो एक बिंदु सी का अस्तित्व तो ऐसा होता है जिसके लिए जो है एफ डैश सी बराबर शून्य होता है। अर्थात वक्र के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा एक्स अक्ष के क्या होती है, समांतर होती है, एक्स अक्ष के समांतर होती है। इसके लिए रोले की प्रमेय को हम तीनों प्रतिबंधों को संतुष्ट करेंगे। सबसे अहम बात यह है कि आप पहले सीखने के लिए जो है कि आपके लिए बिल्कुल नया पॉइंट है, तो मैं आपको बता देता हूं कि देखिए, अगर कोई बहुपदीय फलन बहुपद है तब वह संतत भी होगा और अवकलनीय भी होगा। अगर साइन का फलन है या कास का फलन है तब भी वह जो है संतत और क्या होगा, अवकलनीय होगा। इसके लिए निश्चिंत है, दो चीजें आप लिख सकते हो। तीसरे पॉइंट पे ध्यान देने वाली बात है, जैसे हमने एक प्रश्न लिया है कि फलन या फेक्स बराबर एक्स स्क्वायर के लिए रोले की प्रमेय को इस अंतराल में माइनस एक एक में जो है रोले की प्रमेय को सत्यापित कीजिए। तो आइए, कैसे सत्यापित करना है, पहले इस तरह से लिख लेंगे, यहां हल आपको बता रहे हैं कि प्रश्न है, हल दिया गया फलन, दिया गया फलन या एक्स बराबर एक्स स्क्वायर, यह आपका फलन दिया गया है, दिया गया अंतराल, इसमें हमें कुछ ज्यादा जो है कि थिंक नहीं रखी, बस ये जो करते हो आप उतार लिए, काम अभी बराबर क्या है माइनस वन कामा वन, यह अंतराल दे दिया गया है आपको। ए की जगह पे क्या है बच्चों, माइनस वन है, बी की जगह पे क्या है, वन है। अब हम चलते हैं कि अब यहां पे जो है कि जो हमारा एफ एक्स है इसका एक बार हम डिफरेंशियल कर लें, प्रथम अवकलन कर लें तो आसानी होगी, है ना। तो समीकरण फर्स्ट के दोनों पक्षों का यक्ष के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर एफ डैश एक्स बराबर क्या हो जाएगा, टू एक्स का डी 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 वाई बाई डी एक्स लिखिए, चाहे एफ डैश एक्स ऐसा लिखने के लिए डिफरेंशियल में आपको बताया गया था, यह आप अवकलन कर लीजिए। इतना स्टेप देख लीजिए, बहुत आसान है, पहले फलन उतार लीजिए, अंतराल लिख लीजिए, फिर इसके बाद जो हमारा फलन है उसका डिफरेंशियल कर लीजिए, इसकी आवश्यकता होगी। अब हम चलते हैं रोले की प्रमेय की पहली शर्त को, ठीक है। देखो यह फलन हमारा द्विघाती है, हैं, बहुपद है, अतः यह अंतराल में जो है संतत होकर, लिख सकते हैं चूंकि फर्स्ट में फलन एफ एक्स एक द्विघाती बहुपद है, द्विघाती बहुपद है, अतः फलन एफ एक्स, फलन एफ एक्स समृत अंतराल, समृद्ध अंतराल माइनस एक कामा एक, बड़ा क्वेश्चन यहां ले रहे हैं हम, ध्यान दीजिएगा, माइनस एक कामा एक में संतत है, संतत है,
सेकेंड स्टेप यह चीज लिख सकते चूंकि फलन एफएक्स एक द्विघातीय बहुपद है अतः फलन एफएक्स विपरीत अंतराल देखिए यह छोटा पुस्तक ले रहे हैं माइनस वन का वन में अवकलनीय है अब ये दो शर्तें जो है इसकी पूर्ण हो गई हैं देखो रोले की प्रमेय बच्चों तभी सत्यापित होगी जब रोले की प्रमेय की तीनों शर्तें जो है संतुष्ट होगी तीसरी शर्त क्या है कि यहाँ पे जो हम बिंदु ले रहे हैं पी और क्यू लिए थे हम लोग बताया थे पी और ये क्या है क्यू यह कोटियां है ये कोटियां माने एफ ए बराबर क्या हो जाए यह भी तब हम जो है रोले की प्रमेय की तीनों शर्तें जो है संतुष्ट समझेंगे तो तीसरी शर्त के लिए हम लिखेंगे बस लिखने वाला टॉपिक है ये आसानी से लिख के समझ के आप कर सकते हैं लिख सकते चूंकि एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर इसलिए एफ माइनस वन बराबर क्या होगा माइनस वन का स्क्वायर बराबर वन होगा वन बराबर क्या होगा वन का स्क्वायर बराबर क्या होगा वन अब लिख सकते हो कि चूंकि एफ माइनस वन बराबर एफ वन है कि नहीं है देखिए एफ माइनस वन बराबर भी वन है और एफ वन बराबर भी क्या है वन है यहाँ एक्स की जगह पे हम रख रहे हैं तो अब यहाँ कह सकते हो रोले के प्रमेय की तीनों शर्तें जो है संतुष्ट हो रहे हैं तब हम लिखते हैं कि तब है ना अंतराल माइनस वन कामा वन में एक वास्तविक संख्या सी का अस्तित्व इस प्रकार होगा कि एफ डैश सी बराबर क्या होगा जीरो एफ डैश सी एफ डैश यहां एक्स है तो यहां टू एक्स है अब एफ डैश की जगह डैश है एक्स की जगह यहां क्या पुट किया गया है सी तो यहां क्या हो जाएगा टू सी बराबर जीरो इसलिए सी बराबर जीरो जो बिलोंग करता है किससे माइनस वन कामा क्या है वन माइनस वन कामा वन के बीच में जीरो आता है कि नहीं आता अतः रोले की प्रमेय जो है क्या है सत्यापित होती है यही सी का मान इसके बीच में नहीं आएगा जैसे संख्या के यहां पे जाएंगे तो बीच में शून्य होता है वन है इधर क्या रहेगा माइनस वन तो जो भी सी की वैल्यू आए इन्हीं अंतरालों के मध्य आना चाहिए इससे ओवर नहीं होना चाहिए इसके बाहर रहेगा तो रोले की प्रमेय सत्यापित नहीं होगी अतः आप कह सकते हो कि रोले की प्रमेय सत्यापित होती है रोले की प्रमेय सत्यापित होती है देखिए बहुत आसान सी बात है दो स्टेप आप देख के भी सब लिख सकते हैं यहां आपको जरूरत नहीं है कि आप यह प्रूव करें कि यह जो है कंटिन्यूअस है डिफरेंशियल है अवकलनीय है आप फलन को पहचानिए कि यह बहुपदी फलन अगर है तो आप सीधे सीधे लिख सकते हैं कि यह संतत भी होगा और क्या है अवकलनीय भी होगा और सिस्टम बहुत आसान है इसी तरह से प्रश्न सीरीज दी गई है आप आसानी से जो है इन प्रश्नों को हल कर सकते हैं रोले की प्रमेय पे को प्रूव कर सकते हैं इतने में आपको पांच या आठ नंबर का प्रश्न आ जाता है इसमें अब मैं आपको लैग्रांजे की मध्यमान प्रमेय से एक प्रश्न बताऊंगा सीखने का प्रयास करें ठीक यही दो स्टेप है इसमें तीन स्टेप दिखाना नहीं है बहुत आसान सा दो स्टेप है तो लैग्रांजे की मध्यमान प्रमेय आपको बताई जा रही है
देखिए फिगर में हमने आपको बताया था कि वक्र की जो जीवा होती है वह वक्र पर खींची गई स्पर्श रेखा के समांतर होती है। यह वक्र की जीवा है, ये क्या है, स्पर्श रेखा हो गई। यह वक्र की स्पर्श रेखा है, यह स्पर्श रेखा और इसकी दोनों की प्रवणताएं आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं। जैसे मैं आपको बता दूं कि एक फलन हम ले लेते हैं, फलन या फ्यक्स बराबर यक्स माइनस वन, यक्स माइनस टू, यक्स माइनस थ्री, यक्स माइनस वन, यक्स माइनस टू, यक्स माइनस थ्री को अंतराल अंतराल जीरो का मान चार, जीरो का मान चार पर लैग्रांजे की मध्यमान प्रमेय को सत्यापित कीजिए आप लोगों को उदाहरण भेजा गया था, उसको भी एक बार देख लीजिएगा। और मैं यहां समझा रहा हूं, यह हमारा फलन है। अब इसके लिए जो है कि हमको लैग्रांजे की मध्यमान प्रमेय जो एक प्रूफ करनी है, तो हम हल करते कैसे करेंगे कि पहले तो लिख लेंगे दिया गया फलन, एफ एक्स बराबर एक्स माइनस वन, एक्स माइनस टू, एक्स माइनस थ्री। हम इसको जो है मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए यहां पे आपको मल्टीप्लाई करके आपको बता देते हैं, एक्स माइनस वन, एक्स माइनस टू, एक्स माइनस थ्री। पहले दो का करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस एक्स प्लस टू इंटू एक्स माइनस थ्री बराबर एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू इंटू एक्स माइनस थ्री बराबर, अब मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस नौ एक्स प्लस टू एक्स माइनस छ बराबर एक्स क्यूब थ्री एक्स स्क्वायर, थ्री एक्स स्क्वायर मिलकर माइनस सिक्स एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और ये नौ एक्स और दो एक्स मिलकर क्या हो जाएगा, ग्यारह एक्स माइनस छ। एक्स क्यूब माइनस सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस ग्यारह एक्स माइनस क्या है सिक्स, गुणा एक बार और देख लेते हैं। देखिए x का x में गुणा किए x स्क्वायर, फिर x का माइनस टू में किए माइनस टू एक्स, फिर माइनस वन से x में किए माइनस एक्स, और माइनस वन का प्लस टू, माइनस वन में टू में प्लस, माइनस टू में गुणा हुआ प्लस टू, इतना तो हमारा सही है। फिर यहां से चलिए x का x, x स्क्वायर का x में होगा x, ये हमने सीधा किया है कि एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स और माइनस एक्स माइनस थ्री एक्स हो गया प्लस टू। अब यहां गुणा करते हैं, एक्स स्क्वायर का एक्स में करेंगे तो एक्स क्यूब, फिर एक्स स्क्वायर का माइनस थ्री में करेंगे तो माइनस थ्री एक्स स्क्वायर, फिर माइनस थ्री एक्स का करेंगे एक्स में तो माइनस थ्री एक्स स्क्वायर, और माइनस का थ्री एक्स का तीन में करेंगे तीन तरीके नौ एक्स, प्लस टू का करेंगे तो प्लस टू एक्स और माइनस सिक्स। यह हमारा जो मल्टीप्लाई हुआ, और मल्टीप्लाई करने के बाद हम इसको जो है आसानी से लिख सकते हैं कि एक्स क्यूब माइनस सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस इलेवन एक्स माइनस सिक्स। फिर हमने बताया कि आप दिया गया अंतराल लिख लीजिए, दिया गया अंतराल ए कामा बी बराबर जीरो कामा चार, जीरो कामा चार हो गया। अच्छा बच्चों, अब हमने बताया था कि आप अवकलन कर लीजिए समीकरण फर्स्ट के दोनों पक्षों का x के सापेक्ष,
अवकलन करने पर, अवकलन करने पर, अवकलन करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा बच्चों, एफ डैश एक्स बराबर 3x² - 12x + 11, यह आपकी हो गई। अब हम चलते हैं मध्यमान प्रमेय के लिए। फर्स्ट स्टेप देखिए, यह त्रिघातीय बहुपद है, एक बहुपदी फलन है, तो यह संतत भी होगा और अवकलनीय भी होगा, दोनों चीजें। तो आप लिखोगे कि कहने का मतलब यह है कि चूंकि एफ एक्स एक बहुपदी फलन है, बहुपदी है, बहुपदी यानी सिर्फ फलन या फ्लेक्स एक बहुपद, बहु पद है, अतः या फ्लेक्स अंतराल, बड़ा क्वेश्चन लेंगे तो समृद्ध रहेगा, अंतराल 0.4 में संतत है, 0.4 में संतत है। सेकेंड स्टेप, चूंकि फलन एफ एक्स एक बहुपद है, अतः एफ एक्स अंतराल यहां विपरीत रहेगा 0.4, छोटा कोष्ठक का प्रयोग करेंगे, 0.4 में अवकलनीय है, अवकलनीय है। अब हम लिखेंगे कि चूंकि एफ ए बराबर एफ जीरो, यहां देखिए इसमें वैल्यू रखेंगे, इसमें ए की जगह पे जीरो है, तो जीरो रखोगे तो माइनस कितना होगा, बराबर -6। फिर एफ बी बराबर माइनस, एफ बी बराबर 4 है, 4 रखोगे तो 3, 2, 1 माने 6 होगा, कितना होगा 6, रख लीजिए, 4 में से 1 जाएगा तो 3 हो जाएगा, 4 में से 2 जाएगा तो 2 हो जाएगा, तो 3 × 6 4 में से 3 जाएगा तो 1 हो जाएगा, तो यह 6 हो गया। अब लिखोगे अतः अंतराल 0.4 में सी का अस्तित्व इस प्रकार होगा होगा कि हमने बताया था कि जीवा की प्रवणता स्पर्श रेखा की प्रवणता के बराबर होगी, अर्थात एफ बी माइनस एफ ए बटा में बी माइनस क्या है ए। एफ डैश सी, एफ डैश सी, एफ डैश आप निकाले हो क्या, आपका आया है एफ डैश एक्स बराबर 3x² - 12x + 11, इसमें एक्स एफ सी रखिए तो 3c² - 12c + 11, बी की जगह पे 4 रख सकते हैं, नहीं एफ बी की जगह पे आपका कितना है 6 है, और माइनस एफ ए की जगह पे कितना है -6 है, बटा में 4 - 0 या 3c² - 12c + 11 बराबर, ये माइनस माइनस कोष्ठक खोलेंगे प्लस हो जाएगा, 12 बटा में कितना हो जाएगा 4, या 3c² - 12c + 11 बराबर 4 से इसको डिवाइड करते हैं 3, या 3c² - 12c + 11 में से 3 जाएगा तो कितना हो जाएगा 8। अब यहां पे इसका फैक्टर बन जाता है तो अच्छी बात है, बन तो नहीं रहा है, इसके लिए सिर्फ धराचार विधि पे चलेंगे, श्री धराचार
विधि से C बराबर माइनस माइनस 12 प्लस माइनस अंडर रूट माइनस 12 का स्क्वायर माइनस 4 गुणे 3 गुणे 8 बटा में 4 गुणे 3 या बराबर हो जाएगा 12 प्लस माइनस अंडर रूट 144 माइनस 96 बटा में 12 प्लस माइनस अंडर रूट 14 में 6 घटाएंगे 8 13 में से 9 जाएगा 4 बटा में 12। तो इसमें से हम 4 कॉमन ले सकते हैं, इसका ऐसा लिख सकते 12 प्लस माइनस करने में 4 करने 4 इंटू अंडर रूट 3 अपॉन 12। 4 कॉमन ले लें 3 प्लस माइनस अंडर रूट 3 अपॉन क्या है 12। 12 को काटते हैं 3 प्लस माइनस करने में 3 बटा में 3। यह बच्चों बिलोंग कर रहा है किससे, अंतराल 0,4 के ही बीच में आएगा। देख लीजिएगा कि 3 करने में 3 का मान रख के और 3 से भाग देंगे तो वह संख्या जो है सदैव 0 और 4 के मध्य में जो है कि आएगी, अतः यह मध्यमान प्रमेय सत्यापित होती है। यहीं से पकड़ में आता है कि जो सी की वैल्यू है वह दिए गए अंतराल के बीच में ही होनी चाहिए। तो प्रश्न सीरीज आपको दी जा रही है, इस प्रश्न सीरीज से जो है कि रोले की प्रमेय और मध्यमान प्रमेय दोनों को जो है अपने अभ्यास में लाने की आवश्यकता है और फिर से पुनः जो है सिलेबस मेंटेन होगा तो एक बार फिर रिवीजन में देखा जाएगा, बताया जाएगा फिर से पुनः अगर आपको कोई समस्या होगी, लेकिन अभी अभ्यास करने की अति आवश्यकता है। प्रश्न